नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 1400 फर्जी खातेदार को दिया गया 20 से 50,000 तक का लोन। जिलाधिकारी ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। आपसी रंजिश में झंगहा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हुई हत्या, आक्रोशित लोगों ने फूंकी झंगहा एसओ की गाड़ी। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा 10,000 इनामी शातिर चोर, मोटरसाइकिल और कट्टा कारतूस हुआ बरामद। जिलाधिकारी ने एम्स निर्माण के कार्यदायी संस्था हाइट के अधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यों में प्रगति लाने का दिया निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने कहा गेहूं खरीद में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। दो केंद्र प्रभारियों पर हो चुकी है कार्रवाई। आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज ने निकाली रैली, एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सवर्ण उत्थान समिति ने काली पट्टी बांध कर किया आरक्षण का विरोध। डीएम के जनता दर्शन में उमड़े फरियादी, समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। सांसद प्रवीण निषाद ने डीएम से की मुलाकात, संतोष साहनी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग और साथ ही मांगा 20 लाख रुपए का मुआवजा। और फिफ्थ एसाइड अंडर 16 जनपद स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में एफसीआई बालकों ने महाराजगंज स्टेडियम को और स्पोर्ट्स कॉलेज की बालिकाओं ने क्षेत्रीय क्रीड़ांगन को हराकर किया प्रतियोगिता से बाहर। अब खबरें विस्तार से। जिला सहकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस बाबत जिला सहकारी बैंक से जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि वर्ष 2011 से लेकर 2016 तक ऐसे कई फर्जी खातेदार पाए गए जो वास्तव में हैं ही नहीं और सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 20 से 50,000 रुपए तक के लोन पा चुके हैं। शुरुआती जांच में अब तक कुल 1400 ऐसे फर्जी खातेदारों का पता चला है। इस बाबत मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन किया और जांच करने पर पूरी की पूरी कहानी सामने आई। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सीमांत किसानों के लिए ऐसी कई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 20 से 50,000 तक का ऋण दिया जाता है जो कि सीधे खातेदार के खाते में पहुंचता है। शुरुआती जांच करने पर पता चला कि जो जो इन योजनाओं का लाभ पा चुके हैं वो व्यक्ति दरअसल सिर्फ कागज में ही हैं और कहीं नहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि गठित टीम ने जांच की, जिसमें अब तक कुल 1400 मामले आ चुके हैं। दोषी पाए गए व्यक्तियों पर रिकवरी के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। फायदा दिया गया, करीब 1400 प्रकरण अभी संज्ञान में आया, उसका अलग समिति बना करके हम लोग जांच कराना शुरू कर दिए। प्रिलिमिनरी में जो लग रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा डाइवर्ट हुआ है, यदि डिटेल रिपोर्ट में आएगा 1400 लाभार्थी कौन है और कौन उस पर इन्वॉल्व है, सबको ऊपर हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे, रिकवरी की कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराएंगे। ठीक। आपसी रंजिश के चलते झंगहा थाना क्षेत्र के गोबडौर स्थित गजाई कोल के बीच पुलिया पर पिता जयसिंह यादव और पुत्र नागेंद्र यादव को गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर से आक्रोशित भीड़ ने झंगहा एसओ की गाड़ी फूंक दी। मौके पर एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। नागेंद्र
को छोड़ा ना भैया गोरखपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच को उस समय सफलता मिली जब गोरखनाथ थाना अंतर्गत 10,000 का इनामी शातिर चोर को दबोच लिया गया। मुअज्जिम जो कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर का निवासी है, एक शातिर चोर है जिसके ऊपर 16 अलग अलग मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। इसके पास से पुलिस को एक पल्सर गाड़ी, एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक जोड़ी पायल और 4 बिछिया भी मिली है। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया। हो गया कितना लीजिए, साथी चोर और लुटेरा एक साथी अपराधी मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है। ये तुर्कमानपुर थाना क्षेत्र राजघाट का रहने वाला था। इसकी एक बहुत अच्छी खासी आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुल मिला के 14 मुकदमे इसके ऊपर रहे हैं पूर्व में। इसके पास इसकी गिरफ्तारी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम और संयुक्त टीम रहा था, ये थी गोरखनाथ की भी टीम साथ में थी। इसमें कुल मिला के 4 घटनाओं का अनावरण हुआ। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इसके पास से मिली है, जिसमें कि इसके पश्चात शाहपुर और गोरखनाथ क्षेत्र के कुल मिला के 3 अन्य चोरियाँ भी कबूली हैं। वो घटनाएँ भी सफल अनावरण का किया गया और ये अब 10,000 का एक इनामी था पहले से, और इसकी अब सफल गिरफ्तारी की गई है। इसके पहले भी जेल जा चुका है? कई बार जेल जा चुका है। इसके फाइलियों का नाम हमने आपको दिया हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख ये दानिश नाम का अपराधी है जो आज भी हमारा मदद इनामी है। इसके पीछे टीम लगी हुई है। ये त्रिभुवन सिंह जो कुछ दिन पहले यहाँ से गए हैं, ये लोग सब एक ही कंपनी के थे। अब इसके साथ भी लोग रहते थे, अभी उसके बारे में पूछताछ भी कुछ चल रही है। अमूमन ये थी दानिश के साथ ही काम करता था, त्रिभुवन और दानिश के साथ ही काम करता था। जिलाधिकारी ने मंगलवार को गोरखपुर में एम्स स्थापना की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यदायी संस्था हाइट्स के डायरेक्टर एस प्रसाद सहित अन्य प्रोजेक्ट अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था हाइट के अधिकारियों के साथ एम्स के मानचित्र पर मंथन भी किया और वहां पर बने पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया। एक तरफ से दूसरे तरफ से आपको देवरिया रोड पे भी चाहिए थे? जो 2 मीटर से इनका बन जाएगा नाला, 2 मीटर बच रहा है। ये 15 एमएल
एम का जो स्थापना हो रही है वहाँ तो 3-4 विभाग का बिल्डिंग है, वहाँ खासतौर पे गन्ना विकास विभाग का 151 बिल्डिंग है, उसको गिराने के लिए टेंडर आज अपलोड हो गया है, उसमें तो अगले 15 दिन में जो गिर जाएगा। उसके अलावा जो कृषि विभाग के पास है तीन जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसी के अलावा आवासीय बिल्डिंग सारे मिलकर के मान लीजिए 40-50 बिल्डिंग होगा, उसका भी 2 दिन में टेंडर अभी निकलवा रही है। जो एम्स बनाने वाले एजेंसी है, हाइट्स करके एक एजेंसी है, केंद्र सरकार ने डिप्यूट किए, उसका टीम अभी 3 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन लोगों को जो सुविधा चाहिए आगे, उनका नक्शा पास करना है और उनका ड्रेनेज सिस्टम को जो अलाइनमेंट सही कराना है, उसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का सुविधा देना है, सारे चीज़ को हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तो अब 15-20 दिन से आप उन लोग काम शुरू कराने में मुड़ गए। मंगलवार को चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बांह पर काली पट्टी बांधकर अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए सांकेतिक विरोध किया। कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सा डॉक्टर राजकुमार गुप्ता पर आरोप भी लगाया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हामिद अली और प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया। हम लोगों की विशेष रूप से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जब से अधिकारी सही महोदय आए हैं तब से हम लोग की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और मांग के अनुरूप समस्याओं का समाधान ये नहीं कर रहे हैं और नहीं तो हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रमुख रूप से वेतन है, वेतन तो जब से आए हैं समय से नहीं दे रहे हैं और वेतन के साथ साथ कुछ और बिंदुओं की समस्याएं हैं। उपार्जित अवकाश की स्वीकृति समय से नहीं करते हैं, उसमें भी कटौती कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। अगर हमारा कर्मचारी 30 दिन का उपार्जित अवकाश लेता है तो उसको 30 दिन की उपार्जित अवकाश मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उपार्जित अवकाश बेचते हैं, लेकिन अगर ये हमको 1 महीने के वेतन दे देते हैं तो हम उपार्जित अवकाश नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा भी ये नहीं कर रहे हैं। ये ज़बरदस्ती करके 30 दिन का भरेंगे तो आप 15 दिन का स्वीकृत कर रहे हैं। अगर एसआईसी महोदय हमें छुट्टी दे दें, 1 महीने का पैसा दे दें उपार्जित अवकाश के बदले में, तो हमारे कर्मचारी उपार्जित अवकाश नहीं लेंगे। आप लोग सहमत हैं ना? चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, जो बीमार पड़ जा रहे हैं उनकी स्वीकृत चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, 4-4 महीने 3-3 महीने से फंसाए पड़े हुए हैं।
बड़ी चीज है, समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। जो एक परिचय पत्र कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बड़े खेत का विषय है। कर्मचारियों को ACP 16 साल 26 साल की सेवा पर लगता है, उसको भी हमने लिख करके दे दिया है, लेकिन ऑफिस के द्वारा या हमारे अधिकारियों के माध्यम से नहीं लग पा रहा है। GPF अग्रिम है, हमारे कर्मचारी जो लोन मांगते हैं, जैसे एक लोन की कटौती हो रही है तो दूसरी लोन भी हमको मिल सकता है, लेकिन यहाँ से ये कहा जाता है कि हम नहीं दे पाएंगे। आखिर नहीं दे पाएंगे, अगर इसका भी कोई सर्कुलर हो तो हम संगठन को उपलब्ध कराएंगे कि हम नहीं दे पाएंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमने कल प्रमुख अधीक्षक महोदय सहित उत्तर प्रदेश के माननीय निदेशक को पत्र भेजा है, और हमारा ये काली पट्टी बांध कर हम विरोध कर रहे हैं, और अभी कम से कम 4 दिन हमारा विरोध चलेगा, 5वां दिन हमारी फिर एक बैठक होगी, बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को ये नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में माननीय जिला अधिकारी के महोदय से माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। कार्य आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कार हम लोग कर रहे हैं, कार हम लोग सफर नहीं करेंगे, इसलिए मेरी प्राथमिकता है कि मरीजों की हित को देखते हुए हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हम अपनी शांतिपूर्वक कार्यक्रम चलाएंगे। वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेतन आहरित किया जाता है, तो अभी किसी भी संवर्ग के कर्मचारियों का वेतन नहीं आहरित हुआ है। तेजरी से सॉफ्टवेयर में अभी भी व्यवधान है, सारे उनके जो भी देख हैं देखों के हिसाब से कंप्यूटर में फिट किया जा चुका है, जैसे ही इस व्यवधान खत्म होगा सारे संवर्ग की सैलरी समय से ही आहरित कर ली जाएगी। ऐसा नहीं है, निरीक्षण के समय जो भी कर्मी चिकित्सालय का किसी भी संवर्ग का चिकित्सालय कर्मी है, अगर समय से अपनी ड्यूटी पर नहीं उपलब्ध रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पर जिले के 124 केंद्रों पर गेहूं की खरीद का काम जारी है। केंद्रों पर बोरी की पूरी उपलब्धता है। किसानों के गेहूं को शासन द्वारा निर्धारित 1735 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। किसानों के पैसे को उनके बैंक खातों में तत्काल ट्रांसफर भी कर दिया जा रहा है, जिससे किसान बैंकों में जाकर अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया कि गेहूं खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर 2 क्रय केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई भी की गई है। किसान बिना बिचौलियों के अपना गेहूं क्रय केंद्रों पर बेचकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने आगे बताया, पिछले साल से 24 केंद्र हम बढ़ा दिए, पिछले साल केवल 100 केंद्र था, इस बार तो 24 और बढ़ा दिए, और भी जनता के मांग के हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो बेसिक सुविधा वहाँ हम लोग को मुहैया करना होता है, जो यहाँ का बोरा का व्यवस्था है, वहाँ का जो नमी मीटर, नमी मेजर करने के मीटर होता है, फिर वजन का मीटर होता है, फिर वहाँ आने वाले के पीने के पानी इत्यादि बेसिक सुविधा तो मुहैया करना होता है, उसी के अलावा RTGS के जरिए से सीधा पैसा भेजना होता है। इसका जो एजेंसी कितने लोग आए, एक एजेंसी नहीं है तो मल्टीपल एजेंसी है, मान लीजिए PCF है, NACFED है, FCI है, तमाम एजेंसी इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कर्मचारी डिप्यूट करते हैं, फिर फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, उस स्टेप का होता है। ये 1 अप्रैल से यहाँ का गेहूँ क्रय केंद्र खोलना था, और लगभग हम लोग का तो खुल गया, 90% खुल गया। 10-15 केंद्र में केंद्र प्रभारी के नियुक्ति का इश्यू आ रही थी, उसी की वजह 1-2 केंद्र अभी खुला नहीं है। अभी भी मैं भ्रमण में निकलूंगा, तो इसमें 2-3 समस्या आ रही है लगातार। अभी तो देखिए, जो FCI का जो डिलीवरी का पॉइंट में FCI का निर्देश नहीं मिला, उसी वजह पहले 5 दिन उनने FCI वाले डिलीवरी नहीं ली। अब उसके बाद हम लोग बात करने के बाद FCI का वहाँ शासन से आदेश जारी हो गया, FCI वाले जो खरीदे हुए गेहूँ उसको लेना शुरू करा दिया, अभी वहाँ डिलीवरी शुरू हो गया। दूसरा जो हम लोग का कहाँ जो रेट है, मान लीजिए यहाँ तो इस समय में बम्पर क्रॉपिंग की वजह मार्केट रेट अच्छा खासा गिर गया, 1735 रुपये गवर्नमेंट रेट दे रही है। अब बीच में कुछ बिचौलिए लोग, उन लोग क्या करते हैं तो घर में जाकर के खरीद लेते हैं, फिर उसका स्टॉकिंग करते हैं, उसके बाद भी इनडायरेक्टली डाइवर्ट करते हैं। एक तो प्रकरण हम लोग के संज्ञान में आई थी, तो 2 के खिलाफ FIR हो गया, कौन प्रभारी इसमें शामिल है उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई की, और लगातार हम लोग SDM तहसीलदार सब लोग भ्रमण पे है। हम कोशिश कर रहे हैं इस बार जो किसान का खरीद सीधे सीधे हमसे हो जाए, उसके लिए यदि गाँव में भी जाकर के हमें खरीदना पड़ेगा, जो हम केंद्र वहाँ भी वहाँ तक ले जाएंगे। अब इस पर पहले इनिशियली तो पैसा का कोई इशू था, ताकि तो सारे सेंटर में 2-2 लाख ही मिला, बट हम लोग अपेक्षा से ज़्यादा खरीदारी हो गया, इसी वजह तो पैसा का इनिशियली प्रॉब्लम थी, अभी पैसा भी आ गया। पहले FCI के पास 2-2 लाख था, अभी 5 करोड़ रुपये आ गया है, हाल ही में आया है। अब तो 1-2 दिन में सारे इशू इज आउट हो जाएगा। हम तो लगातार भ्रमण पे है, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आपके चैनल के जरिए से मैं किसान को भी ये बताना चाहता हूँ
किसान के अपील यही है मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधे सीधे हमसे ही बेचें ताकि मार्केट से 400 रुपया 500 रुपया ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई असुविधा होता है तो तुरंत हमसे बात करें, किसी ऑफिसर से बात करें, हम लोग उसका हाल निकालेंगे। ये थोड़ा गलत फहमी देखें तो कोई कटौती नहीं होगा, इवन 100 ग्राम भी कटने के लिए कोई वो नहीं है। उसका जो नीति है, नीति के हिसाब से इनका पैसा अलग वसूलना है, यानी 1735 रुपया में कटौती नहीं होगी, और जो किलो कितने तोल रही उस पर भी कटौती नहीं होगी, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कहीं किसी का भ्रम का स्थिति है तो फिर हम दूर करेंगे। बोरे का सर इंक्लूडेड है इस 50 किलो के? देखिए तो यूजुअली तो बोरे के वजन आता है, यूजुअली बोरे के वजन 800-900 ग्राम से लेके 1 किलो तक होता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली उतने के वजन का एडजस्ट करते हैं उसका टोटल में, बिकॉज एफसीआई वाले तो लेंगे नहीं, एफसीआई के नाम से गवर्नमेंट के नाम से प्रिस्क्राइब्ड है उसका। कितने का मान लीजिए 500, मतलब मान लीजिए 50 किलो का है, 50 किलो तो 400 ग्राम 500 ग्राम उसी टाइप का लेते हैं, ताकि जो बोरे के वजन भी उसी हिसाब से एवरेज हो जाता है। बोरे के वजन का डेफिनेशन एफसीआई अपने आदेश में क्लियरली दिया हुआ है कितने के हिसाब से वो वजन तोलना है। किसान का जो गेहूं खरीदने वाले का पैसा सीधे आरटीजीएस जरिए से पैसा उनके खाते में चले जाता है, तो भ्रम ना हो जाए पैसा मिलेगा कि नहीं, तो आरटीजीएस करने में 24 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। इससे बेहतर सुविधा अभी फिलहाल नहीं है हम लोगों के पास, ताकि चेक में कलेक्शन में हो सकता है 1 से 10 दिन लगेंगे, चेक नहीं आरटीजीएस है। आरटीजीएस में आज मान लीजिए तो 2 बजे तक ब्लैंक का ट्रांजेक्शन चलता है, मान लीजिए 10 बजे जमा होंगे 2 बजे तक आपके खाता में आ जाएगा पैसा, 24 घंटे के अंदर आपका खाता में मिल जाएगा। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी दोबारा नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 1400 फर्जी खातेदार को दिया गया 20 से 50 हजार तक का लोन, जिलाधिकारी ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। आपसी रंजिश में झंगहा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हुई हत्या, आक्रोशित लोगों ने फूंकी झंगहा एसओ की गाड़ी। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा 10 हजारी इनामी शातिर चोर, मोटरसाइकिल और कट्टा कारतूस हुआ बरामद। जिलाधिकारी ने एम्स निर्माण के कार्यदायी संस्था हाइट्स के अधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यों में प्रगति लाने का दिया निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने कहा गेहूं खरीद में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, 2 केंद्र प्रभारियों पर हो चुकी है कार्रवाई। आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज ने निकाली रैली, एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, सवर्ण उत्थान समिति ने काली पट्टी बांध कर किया आरक्षण का विरोध। डीएम के जनता दर्शन में उमड़े फरियादी, समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। सांसद प्रवीण निषाद ने डीएम से की मुलाकात, संतोष साहनी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग और साथ ही मांगा 20 लाख रुपए का मुआवजा। और फिफ्थ एसाइड अंडर 16 जनपद स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में एफसीआई बालकों ने महाराजगंज स्टेडियम को और स्पोर्ट्स कॉलेज की बालिकाओं ने क्षेत्रीय क्रीड़ांगण को हराकर किया प्रतियोगिता से बाहर। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की।
गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण को खत्म करने के उद्देश्य से स्वर्ण समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई जिसमें भारी संख्या में आरक्षण विरोधी समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये रैली महानगर के छात्र संघ चौराहे से निकलकर अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जाकर समाप्त हुई। हाथों में आरक्षण विरोधी बैनर और पोस्टर लिए स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि आरक्षण से हमेशा समाज में व्याप्त खाई और चौड़ी ही हुई है और इसका लाभ पात्र लोगों को मिल भी नहीं पाता है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल शांति व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रही जिसमें मुख्य रूप से एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कैंट अभिषेक सिंह सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने मांग संबंधी ज्ञापन को स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों ने एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ को सौंपा। मंगलवार को जिला अध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति के लोगों ने नगर निगम परिसर में इकट्ठा हुए और काली पट्टी बांधकर आरक्षण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरक्षण विरोधी स्वर्ण समाज के आंदोलनरत कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, नहीं तो देश का विकास नहीं हो सकेगा क्योंकि सही अर्थों में टैलेंट का उपयोग देश के विकास में हो ही नहीं पा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष स्वर्ण उत्थान समिति के अवधेश कुमार मिश्र ने कहा, जैसे मान लीजिए कॉलेजों में हुआ चुनाव लड़ा जाता है उसमें क्या होता है जो एससी सीटर्स पर एससी लड़ते हैं फिर जनरल कैटेगरी जहाँ है वहाँ पर उनको अधिकार से वंचित किया जाए, वहाँ उनको अधिकार न दिया जाए, अन्यथा इसके लिए यहाँ भीषण आंदोलन होगा। आरक्षण समीक्षा आयोग बनाया जाए, एससी एसटी एक्ट बिल्कुल खत्म किया जाए, देश में खाली दुरुपयोग का एक आरक्षण बंद में बंद करो बंद करो बंद देश बचाओ देश बचाओ आरक्षण हटाने से आज बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रह जाओ देश बचाओ देश बचाओ आरक्षण हटाओ आरक्षण बंद में बंद करो बंद करो मांगों को लेके आज आप लोग आंदोलन रहे आरक्षण बंद करने के लिए हम लोग मार्च निकाले हुए हैं। सवर्ण समाज के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 तारीख के दिन आरक्षण के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था, तोड़फोड़ किया था, लोगों को हत्या हो या तक हो गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण मुक्त के लिए रोड पे निकले हुए हैं, कहीं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, सामान्यतः ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सभा किया जा रहा है। आरक्षण मुक्त हमारा देश हो, लाखों करोड़ों छात्राओं के साथ जो हो रहा है शोषण जातिगत आरक्षण इसको हटाया जाए। बार बार मोदी और अमित शाह कहते हैं दलितों और पिछड़ों का साथ दिया जाएगा। भारत में 2 तरह का कानून बनाया गया है, एक दलित और पिछड़ों के लिए और एक जातिगत सवर्णों को हर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। पूरा भारत भारतीय न्यायपालिका के
सम्मान में आज एससी एसटी एक्ट जातिगत आरक्षण के विरोध में आज ये पूरा भारत बंद है। और आज जिस तरीके से पूरे सवर्ण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे सवर्ण समाज को की प्रतिभाओं को दमन किया जा रहा है, का दमन किया जा रहा है, इसके लिए यह पूरा भारत देश आज हमारे साथ है। पूरे भारत के व्यापारी आज हमारे साथ हैं, पूरे भारत की जनता हमारे साथ है, पूरे भारत का युवा हमारे साथ है, और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करके संरक्षण की नीति लागू करनी चाहिए। नारा है आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को, ये हमारा नारा है। और इस नारे में संरक्षण की भूमिका सरकार को तय करनी चाहिए, इसके लिए आरक्षण समीक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जनता के समस्याओं के निदान के लिए जिलाधिकारी का जनता दर्शन जारी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दर्शन में काफी संख्या में फरियादी पहुंचे और जिलाधिकारी ने एक एक करके सभी फरियादियों की समस्या सुनी और उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन से वार्ता की और उसके समाधान करने का निर्देश भी दिया है। उस पार्टी को हम नहीं बुलाते हैं। जिया साहब ने दो बार भेज चुका है, एक आपके समय हमने भेज दिया। लेखपाल बाउंड्री बना लिया उन्होंने। ना उनके पास कोई कागज जैसे नहीं है। चलो बात करता हूँ, आए होंगे उनका विपक्षी है, दूसरा कोई समझा कर रहा है। क्या नाम है उनका? समाधान दिवस का जैसे उठा के देख लो, दो बार समाधान दिवस में रेफर हो गया बट समाधान नहीं हुआ है। हेलो, हाँ दिवस आप बात करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा छात्रों के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जिसमें मुख्य रूप से छात्रवृत्ति ना मिलने की बात को लेकर रैली निकाली गई। ये रैली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चौराहा से होते हुए अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा से निकलकर जिला मुख्यालय के गेट के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। एबीवीपी के छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में जो छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब तक शासन ने उसे उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे विद्यार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके पठन पाठन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। अपनी इस मांग के संबंध में एबीवीपी के छात्रों ने ज्ञापन एडीएम प्रभुनाथ को सौंपा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एबीवीपी के महानगर संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह ने बताया, बाहर करो,
और गोरखपुर की जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री कॉलेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। छात्रवृत्ति आई भी है तो अगर 40,000 आनी है तो 2,000 आई है, किसी के 3,000 आई है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी छात्रवृत्ति बिल्कुल नहीं आई है सर, उसी को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन किए समाज के। और हमारा निवेदन है कि सर ये मांग महाराज जी को आप क्योंकि सर पिछले सरकारों में पिछले समयों भी यही होता रहा सर, अगर इस बार भी यही हुआ जिस तरह पिछले सरकार, तो एक अलग संदेश आएगा इन बच्चों के मन में, कभी नहीं इनके अंदर इतनी पीड़ा है कि अगले सेमेस्टर का अगले वर्ष की फीस जमा करने के लिए फीस लगती है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक अपना रहता है कि ये फीस आएगी हमारी स्कॉलरशिप आएगी। आपके साथ डिग्री कॉलेज महाविद्यालय बीटीसी बीएड विश्वविद्यालय से सारे विद्यार्थी हम लोगों के पास है। हम लोग के पास ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनका लगातार कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं आती, छात्रवृत्ति फॉर्म भरते हैं, स्टेटस करेक्ट बताता है सब कुछ, स्टेटस आने के बाद भी उनकी छात्रवृत्ति नहीं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जिनको 44,000 स्कॉलरशिप मिलना है और 1,500-2,200 रुपये स्कॉलरशिप आता है। हमारे ऐसे विद्यार्थियों के अंदर इतनी पीड़ा है जिनको अपने स्कॉलरशिप से अगले वर्ष प्रवेश लेना, अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेना है, वो बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। इसलिए हम लोगों का एक निवेदन है कि ऊपर शासन तक हम लोगों की बात जाए और हर वर्ष की तरह इस वर्ष ऐसा ना हो कि जो बच्चे छात्रवृत्ति भरे हैं उनका प्रवेश सही है, उनकी छात्रवृत्ति करेक्ट बता रही है, उनकी छात्रवृत्ति हम लोगों को मिले, ऐसी हम लोग सारे विद्यार्थियों की हम लोगों की यही अपेक्षा है सरकार से। कैंट थाना क्षेत्र में रविवार की रात हुई संतोष साहनी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिजन को 20,00,000 रुपए मुआवजा और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर गोरखपुर के सदर सांसद प्रवीण निषाद ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, जिस पर डीएम ने उनकी मांगों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण निषाद ने बताया, हम तो पहले तो सबसे पहले प्राथमिकता है कि अपराधी को सबसे पहले पकड़ा जाए, उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े रात में बुलाकर घर से किसी की हत्या कर देना ये कोई मामूली घटना नहीं है। हमने डीएम साहब से मुलाकात करके डीएम साहब आश्वासन दिए कि एक दो दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और हम मांग किया कि जो पीड़ित परिवार है उसकी पत्नी को नौकरी का और 20,00,000 के मुआवजा की, तो अब जिला प्रशासन उस पर पत्रक लिख रहा है, अब देखिए कैसा क्या काम करते हैं। अब जो आर्थिक सहयोग किया वो शाम तक गए कि पहुंच जाएगा उनके परिवार को, हम नौकरी के लिए वो प्रशासन से बात कर रहे हैं। मंगलवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जगदम्बा प्रसाद पांडे स्मारक फिफ्थ साइड अंडर 16 जनपद स्तरीय नॉकआउट प्रतियोगिता में एफसीआई बालक ने महाराजगंज स्टेडियम को 7-0 शून्य के अंतर से करारी शिकस्त दी, तो वहीं दूसरी ओर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बालिकाओं ने क्षेत्रीय क्रीड़ांगन को 6-0 शून्य अंतर से धो दिया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी माइकल अलेक्जेंडर, हॉकी गुरु इमरान खान, महिला हॉकी प्रशिक्षक एनपी गौड़ सहित पूर्व खिलाड़ी और प्रतिभागी खिलाड़ी मौजूद रहे। अब हमारे बीच बहुत ही अच्छा कराते हुए ये मैच वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ग्रीन और
क्षेत्रीय क्रीड़ांगन के मध्य खेला जा रहा है। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 1400 फर्जी खातेदार को दिया गया 20 से 50,000 तक का लोन। जिलाधिकारी ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। आपसी रंजिश में झंगहा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हुई हत्या, आक्रोशित लोगों ने फूंकी झंगहा एसओ की गाड़ी। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा 10,000 इनामी शातिर चोर, मोटरसाइकिल और कट्टा कारतूस हुआ बरामद। जिलाधिकारी ने एम्स निर्माण के कार्यदायी संस्था हाइट के अधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यों में प्रगति लाने का दिया निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने कहा गेहूं खरीद में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। दो केंद्र प्रभारियों पर हो चुकी है कार्रवाई। आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज ने निकाली रैली, एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सवर्ण उत्थान समिति ने काली पट्टी बांध कर किया आरक्षण का विरोध। डीएम के जनता दर्शन में उमड़े फरियादी, समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। सांसद प्रवीण निषाद ने डीएम से की मुलाकात, संतोष साहनी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग और साथ ही मांगा 20 लाख रुपए का मुआवजा। और फिफ्थ एसाइड अंडर 16 जनपद स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में एफसीआई बालकों ने महाराजगंज स्टेडियम को और स्पोर्ट्स कॉलेज की बालिकाओं ने क्षेत्रीय क्रीड़ांगन को हराकर किया प्रतियोगिता से बाहर। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।